आज बनाएंगे कढ़ाई पनीर। और ये पनीर जो मैंने है, ये घर का बनाया हुआ पनीर है। इसकी रेसिपी मैंने YouTube पे डाल रखी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने लिया पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, ये प्याज और जो टमाटर, ये ग्रेवी बनाने के लिए है। और ये मैंने पहले पीस के रख लिया है, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। तो पहले हम फ्राई करते हैं पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को। मेरा तेल हो गया है गरम, तो इसमें पनीर के पीसेस छोड़ देता हूँ। जनरली कढ़ाई पनीर में हम बड़े पीसेस रखते हैं। पनीर को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा पनीर हो गया ब्राउन, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब कुछ देर के लिए मैं फ्राई करूंगा प्याज को और शिमला मिर्च को। इनको बिल्कुल 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना है इनको। इनको हल्का हल्का कच्चा रखना है। हमारे प्याज और शिमला मिर्च भी फ्राई हो गए हैं, उनको निकाल लेता हूँ। अब करते हैं कढ़ाई पनीर के लिए ग्रेवी रेडी। तो पहले लेता हूँ मैं तेल। सबसे पहले लिया मैंने साबुत धनिया, उसके बाद जीरा। सबसे पहले मैं 2-4 काजू हैं, उनको रोस्ट करूँगा। हमारे काजू भुन गए हैं, मैं इसमें डालता हूँ प्याज। साथ में इसमें डाल देता हूँ मसाले, जिसमें मैं लूंगा नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला या किचन किंग जो भी आपके पास अवेलेबल है, और थोड़ी सी हल्दी। इसको 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे भूनने के लिए रख देते हैं ढक के। हमारी ग्रेवी को भूनते 15 मिनट के आसपास हो गए हैं। ये देखो टमाटर बिल्कुल गल गया है और प्याज भी। अब इसको गैस को कर देते हैं बंद, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर इसको हम मिक्सी में पीसेंगे और उसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्राइंड कर लेते हैं इसको। अब हम लगाते हैं हमारे जो कढ़ाई पनीर है, इसको रेडी करते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं। तो पहले लेता हूँ ऑयल। अभी मैं इसमें डालता हूँ जो हमने पेस्ट बनाया था, गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च का। अभी तड़का लगाते हुए हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है सिर्फ कलर के लिए, और जो कस्तूरी मेथी डालेंगे, क्योंकि हमने सारे मसाले अपनी ग्रेवी में ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में कसूरी मेथी। और अब इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बनाई है। ग्रेवी को ज्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज टमाटर को भून लिया था पहले। 2-3 मिनट इसको गर्म करके, और इसमें हमारे जो पनीर, प्याज और जो शिमला मिर्च हमने भुना हुआ था, हम उसको डाल देते हैं। तो हमारा कढ़ाई पनीर रेडी है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल का, और ना ही हमने कोई ज़्यादा मसाले यूज़ किए हैं। सब घर में जो चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों से बनाया है हमने। इवन पनीर भी घर पे बनाया हुआ है ये, और बिल्कुल हेल्दी भी है ये। तो मैं करता हूँ इसको फिनिश।